हेलो एवरीवन, यूपीपीएससी के द्वारा रिवाइज्ड एग्जाम कैलेंडर 2024 का जारी किया गया था, जिसमें यहां पर सारी परीक्षा कौन कौन सी किस किस महीने में किस तिथि को होनी है इसकी जानकारी दी गई थी। लेकिन कल यानी 12 अगस्त को यहां पर आयोग की तरफ से एक बार फिर से एग्जाम कैलेंडर में कुछ परीक्षा की तिथियों में संशोधन किए गए हैं और कुछ नई परीक्षा तिथियाँ घोषित की गई हैं। जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर यूपीपीएससी से जुड़े हुए हैं, जो भी यहाँ पर तैयारी आप कर रहे हैं, तो किन परीक्षाओं की तिथियों में परिवर्तन किया गया है, नई जो परीक्षा तिथि होंगी वो कब होंगी और किस यहाँ पर महीने में ये एग्जाम होने जा रहा है, हम आपको यहाँ पर इसके बारे में बताने जा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे परीक्षा की तिथियों में जो बदलाव किया गया है वो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के कारण किया गया है, क्योंकि अब तक यूपी पुलिस की यहाँ पर जो कांस्टेबल की भर्ती होनी थी उसकी री एग्जाम को लेकर डेट आनी थी। जब सरकार ने यहाँ पर इसकी डेट को घोषित कर दिया है तो एक बड़ी संख्या में, क्योंकि इस दिन एग्जाम होना है, बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इसमें शामिल होने वाले हैं, उसी को ध्यान में रखकर कुछ परीक्षा तिथियों में बदलाव किए गए हैं। कौन कौन सी परीक्षा यहाँ पर बदलने वाली हैं, तो चलिए यहाँ पर एग्जाम जो कैलेंडर आपको आया है उसमें यहाँ पर देख लीजिए, समझ लीजिए। देखिए, आयोग का ये जो नोटिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, 12 अगस्त के दिन यहाँ पर जारी किया गया था और इसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की परीक्षा दिनांक तिथि 23, 24, 25, 30 एवं 31 अगस्त 2024 के आयोजन के दृष्टिगत आयोग के परीक्षा कैलेंडर दिनांक 3/6/2024 की परीक्षा तिथियों में बदलाव किए गए हैं। और ये जो संशोधन है यहाँ पर चार प्रमुख परीक्षाओं में किए गए हैं, यानी कि चार परीक्षाओं की तिथियां जो हैं वो बदली गई हैं। कौन कौन सी ये परीक्षा यहाँ पर है तो वो भी देख लीजिए। जो पहली परीक्षा यहाँ पर है, इसके विज्ञापन जो है 2023 का है, परीक्षा होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी स्क्रीनिंग की परीक्षा जो 2023 की होनी है, वहां पर अब जो नई जो परीक्षा तिथि इनकी होने वाली है प्रथम सत्र में होगी 15/9/2024 को, यानी कि ये परीक्षा आपको जाके सितंबर में होने वाली है, तो आप सभी यहां पर ध्यान रखिएगा 15 तारीख को ये परीक्षा होगी। दूसरी जो परीक्षा तिथि में बदलाव किया गया है, होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी स्क्रीनिंग की जो परीक्षा होनी थी 2023 की, अब इसकी जो नई तिथि यहाँ पर है तो देखिए 15 तारीख को ही रहेगी लेकिन द्वितीय सत्र में होगी, यानी कि 15 तारीख को यहाँ पर दोनों ही एग्जाम है, होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा और होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा जो यहाँ पर दोनों होनी है। दो परीक्षा यहाँ पर आपको देखा जाए, एक प्रथम सत्र में होगी, एक द्वितीय सत्र में यहाँ पर आपको परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। दोनों ही परीक्षाएं 15 तारीख को हो जाएंगी। इसके अलावा दो अन्य परीक्षाएं जो हैं यहाँ पर जो है, एक होम्योपैथी आवासीय चिकित्सा अधिकारी स्क्रीनिंग की परीक्षा होनी है, ये आपको कंडक्ट कराई जाएगी। अब नई जो तिथि आ गई है 18/9/2024 को होगी। और इसके साथ साथ यहाँ पे सहायक नगर नियोजक मुख्य परीक्षा ये अब 25/9/2024 को यहाँ पर होनी है। तो ये चार परीक्षाओं की जो तिथियां हैं वो बदली गई हैं। आप सभी यदि इनमें से कोई भी परीक्षा अगर आप देने जा रहे हैं या आपकी ये परीक्षा यहाँ पर आपको जो डेट थी अगर नहीं पता है, जो परिवर्तन आया है वो आप देख सकते हैं। आयोग की वेबसाइट पर जाकर इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, कैलेंडर का जो नोटिफिकेशन आता है वहाँ से इसे डाउनलोड भी करके देख सकते हैं। बाकी जो जानकारी है, आप लगातार हमारे साथ चैनल में जुड़े रहें, यूपीपीएससी आरओआरओ और यूपी के एग्जाम से रिलेटेड जो भी अपडेट यहां पर आती है हम लगातार आपको अवगत कराते हैं, साथ ही इससे रिलेटेड आपको न्यूज़ और कंटेंट भी आपको उपलब्ध रहता है। तो आज के क्षण में इतना ही, निश्चित और भी इन्फॉर्मेशन को लेकर, जानकारियों को लेकर हम आपके साथ लगातार जुड़े रहेंगे और आपके साथ इसे साझा करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच एंड गुड लक।